गाइस, स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने यूट्यूब के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। तो घड़ी में देख सकते हैं 6:10 बाकी है और इतना कपड़ा ढेर सारा फैला हुआ है फोल्ड करने के लिए। जस्ट अभी बाहर कपड़ा फैलाए हूँ और ये लोग खा रहे हैं अप्पे। अप्पे क्या होता है? ये अप्पे है। तो बगल में मेरी फ्रेंड है, वो दी थी। तो आरो अभी जस्ट स्कूल से आया है 6:15 बजे। तो मैं बोली आप खा लो आरो। तो कैसा बना है बेटा? हाँ, अच्छा बना है। तो ठीक है, तुम आरो आर्यन अच्छा बना है। अभी तुम बोले मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन बना था, मैं खाने मन नहीं कर रहा था। अच्छा, आज खाने मन कर रहा है, बनाओ एक दिन। हाँ बनाओ, आप क्या हाथ का भी टेस्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो मैं बनाती हूँ, तब तक इधर चलो कपड़ा उपड़ा वगैरह खोल लो। खा लो। अब तो मैं आर को पानी नहीं दूंगी। तो फैमिली, मैं आर को पानी दे दूँ? बोलो फैमिली, बोल दे दो। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं इन लोग को पहले पानी देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मम्मी और आरो यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने में बैठ गए। आरो नहीं कर रहे, मम्मी कर रही है कपड़ा फोल्ड। तो मैं भी कर रही हूं। आपको पैंट नहीं मिल रहा था ना, ये देख लो। हाँ, क्या देख लो? बटन क्या हुआ? लग रहा है लेकिन निकल जा रहा तुरंत। किधर गया? मैं बोल रही थी पैंट वही होगा झोले में, लेकिन तो आपको ना कैसे पहनता। और यहाँ पे देखिए, इतने ढेर सारे कपड़े निकाल के रखे हैं, झोले में रखना है। प्रेस भी लगाना है, सोच रही। जाओ मम्मी कपड़ा फोल्ड करके आज चाय बना दो। तो जाने दो चाय, बच्चे लोग ज्यादा नहीं पीते हैं। अब चाय इस टाइम नहीं बनेगा, आप पे खा लिए हो ना, चाय नहीं बनेगा, जाने दो। तो चाय नहीं बनेगा, आ रहा हूँ। चाय पीना अच्छी तो यहाँ पे देखिए, मम्मी कपड़ा प्रेस कर रही है। प्रेस कर रही है, अरे फोल्ड कर रही है। इसका दिमाग में अभी काम नहीं करता है। और आरो चिंता तचिता चिता करने में लग गया है। आरो दिन तो चिता चिता, पहले आरो खुद डांस, आरो इस गाने पे बहुत वो करता था। हाँ आरो खुद करते थे ना। मैं आज, हाँ आर्यन करता था। याददाश्त मेरी कमजोर होती जा रही है। पहले मैं बहुत चिंता करता था। तो आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग में, तब तक मम्मी कपड़े फोल्ड करके तब आप सबसे मिलती है। गाइस, हमारा कपड़ा वपड़ा सब फोल्ड हो गया है, लेकिन वो झोला अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। और मैं कब से बैठी थी, बहुत सोच में बैठी थी और बहुत सोच भी रही थी। आर्यन आरो गए हैं, आरो थोड़ा सा खेल रहा है, यश के साथ मस्ती कर रहा है। आ गए हैं किचन में। कभी कभी होता है ना, लाइफ ऐसी होती है कि इंसान को खुशियाँ दे जाती हैं, और कोई ऐसा लाइफ होता है, कभी कभी ऐसा लाइफ होता है कि गम भी दे जाता है। तो हमने बहुत से कमेंट पढ़े और सब ने अपने विचार, जो जिसके मतलब कि जैसा, मतलब जिसको जैसा लगा वैसा अपना विचार सब लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे हैं। और मैंने सबका कमेंट पढ़ा तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे। तो हम तो बच्चों पे ध्यान देते हैं, हम नहीं देते हैं तो कौन देता है बताओ। सारे नियम कानून जितना भी है बच्चों के साथ करती हूँ, चाहे जो अपने से बन सकता है अपने से ज़्यादा उन लोग के लिए सोचती हूँ, करती हूँ। और माँ हूँ मैं, नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ये आप लोग का प्यार है कि आप लोग ऐसे से राय देते हैं, सलाह देते हैं। और बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी आपकी लाइफ बहुत लंबी है, आप शादी कर लीजिए, क्या कोई ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं होगा कि आपके बच्चों के साथ आपको कोई एक्सेप्ट करे। तो हमने
दीपक भाई भी कितनी बार ब्लॉग डाले, मेरे घर वाले भी बोलते हैं करने के लिए, और बहुत से ऑफर भी, मतलब बहुत बार कोशिश की है सब लोगों ने शादी करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया आप लोग को मैं आज रीजन बताती हूँ। मुझे पता है कि लाइफ बहुत लंबी है, आगे चल के पता नहीं नसीब में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हमने अपने बच्चों को भविष्य, बच्चों की भविष्य के लिए मैंने शादी नहीं की, क्योंकि हमें ये लगता था कि एक तरह से जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनके सर पे से पिता का हाथ हट गया और मैं शादी कर लेती हूँ तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आज के ज़माने में देखो, चाहे कितना कोई सगा संबंध क्यों ना रहे, लेकिन जो माँ अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, नौकरी चाकरी कुछ भी कर सकती है, लेकिन कैसे कैसे मैनेज करके बच्चों को जिला लेती है। लेकिन अगर से एक पिता होते हैं उनके लिए नामुमकिन होता है ये चीज़ कर पाना। आज धीरे धीरे 5 साल से ऊपर हो गए, मई आएगा तो 6 साल हो जाएगा मेरे हस्बैंड को ऑफ हुए, और 6 साल से मैं कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मैंने बहुत से ब्लॉग डाले हैं, बहुत से शेयर भी किए हैं, लेकिन जो लोग हमारे ये इस चैनल पे नए हैं उनको मेरे बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने शादी नहीं किया। अभी भी अगर से मैं बोलूँ बच्चे को इनके घर पे दे दूँ या फिर बच्चे को छोड़ के जाऊँ, मेरा खुद मन नहीं लगेगा, मेरा खुद नहीं मन लगेगा। सबसे लड़के झगड़ के कहाँ से कहाँ तक अपने बच्चों को लेके जी रही हूँ। ये है एक, रखो इसको, ये है एक मोह माया है। अगर से इस मोह माया के जाल में मैं नहीं रहती तो मैं कब का अपना घर बसा लेती और कब की अपनी ज़िंदगी बसा लेती, अच्छी लाइफ जीती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम आए थे, मेरे दीपक भाई हैं बहुत अच्छा अच्छा काम देखे थे, पापा भी मेरे बहुत अच्छा काम देखे थे कि शादी कर लो बहुत लंबी ज़िंदगी है। अभी भी मेरी मम्मी बोलती है, लेकिन मैं बोलती हूँ बच्चे बड़े हो गए हैं क्या करना है, अब बच्चे समझे तब ना, मुझे क्या। मैं अभी भी, और बात ये है कि एक्सेप्ट करने वाले आज के ज़माने में ना, कोई शादी कर लो बोलेंगे कि शादी कर लेंगे आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो प्यार एक असली पिता देते हैं अपने बच्चों को वो कोई नहीं देगा। और जो एक मैं जाऊँ दूसरे के बच्चों उनके पास शादी करूँ, उसके पास बच्चे रहेंगे, उसके बच्चों की देख रेख करूँ, उसके बच्चों की परवरिश करी, अपने बच्चे को छोड़ के जाऊँ, छोटे छोटे बच्चे का मुझे मोह नहीं है, तो मैं अपनी सारी खुशियाँ त्याग देती हूँ ऐसी खुशी के लिए, ऐसी खुशी के लिए सारी खुशियाँ त्याग के मैंने इन बच्चों का मोह करके मैंने दूसरी बार मम्मी सेकेंड चांस अपनी लाइफ को नहीं दिया, और नहीं दिया। बस यही रीजन है कि बस यही है कि जब एक सर से पिता का साया हट गया तो मैं नहीं सोचती थी कि कोई मेरे बच्चे को इस नज़र से देखे। अभी भी देखने वाले देखते हैं, लेकिन उस दिन समझ में आएगा जिस दिन मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो तो नसीब की बात है, बच्चे परवरिश अपनी माँ की करेंगे कि नहीं करेंगे वो संस्कार ही बताते हैं, जिसके नसीब में जो रहता है वो होता है, लेकिन मैं वो काम नहीं करने वाली हूँ। अभी आप लोग के कमेंट पढ़ के मैं जाऊँ, मैं बोल दूँ मम्मी मुझे शादी करना है, मुझे सेकेंड चांस लेना है, मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, तो अच्छी लाइफ मैं अपने लिए ले सकती हूँ, बच्चे के लिए नहीं ले सकती हूँ। तो हमारे लिए हमारे बच्चे ही सबसे मायने रखते हैं और कोई नहीं। आज भी अगर से मेरे चाहे जैसे भी हो कोई कुछ बोलता है मेरे बच्चे को तो बहुत तकलीफ होता है, भले ही लाख कोई सपोर्ट करे, प्यार करे, पैसा दे, या कोई बोलता है कि मैं आपकी मदद, मतलब चाहे मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे रिलेशन वाले हो, हाँ बोलते हैं तो मुझे तकलीफ होता है, क्योंकि सबके बच्चे सबके लिए प्यारे होते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने लाइफ को सेकेंड चांस नहीं दिया। क्या मैंने ये फैसला लेके सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। देखो मेरा प्यारा सा बेटा आ गया,
इसको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। मिलती हूँ, बाय बाय।